नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल में भाग लेने के लिए देश के जाने माने उद्घोषक और विविध भारती को जन जन तक लोकप्रिय बनाने वाले यूनुस खान जी आज हमारे साथ हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे। यूनुस जी, ऐसे समय पे जबकि आकाशवाणी और विविध भारती की प्रासंगिकता पहले के मुकाबले कम होती जा रही है, ऐसे में आपने जो जिस तरीके से विविध भारती को लोकप्रिय बनाया है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये नहीं मानता कि ये वो समय है जबकि प्रासंगिकता कम हो रही है। आप ये पाएंगे कि जो प्राइवेट चैनल्स की भीड़ है और उनका जो बहुत ज़्यादा बैंग करते हुए कार्यक्रमों को पेश करना है, जो सिर पर बहुत हथौड़े की तरह लगता है, उसके बीच में प्रासंगिकता बढ़ती चली जा रही है। और मुझे लगता है कि ये वो समय है जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहज होना चाहिए और सुनने वालों का दोस्त बनकर उनके सामने प्रस्तुत होना चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत है और मेरा फोकस इस बात पर रहा है। आपके जो बोलने की जो शैली है जी, वो श्रोताओं को इतना अधिक प्रेरित करती है गीत सुनने के लिए कि गीत से ज़्यादा आपके जिस तरह से आप प्रस्तुतिकरण देते हैं उसमें आनंद आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी ज़रा नवाजी है। दरअसल गीत संगीत से इतना ज़्यादा प्यार रहा है बचपन से और मुझे लगता है कि जो गाने मैं बजा रहा हूँ वो उसका जो आनंद है वो मुझे अगर आएगा तो सुनने वाले को अपने आप आ जाएगा। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा डूब कर आपको क्या लगता है कि जो प्राचीन गाने थे, जो पुराने गीत जिन्हें कहा जाता है, नए गीत, उनमें आपको मधुरता किस में ज़्यादा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पुराने गानों की बात है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमने कुछ ऐसे गाने तैयार किए जा रहे हैं जिनकी कम है, लेकिन तादाद बेहतर लिरिक्स आ रहे हैं। तभी तो देखेंगे रात के समय में सारे चैनल डिमांड और सप्लाई वाला नियम है, तो आप पाएंगे कि सभी उम्र के लोगों को पुराने गाने पसंद आते हैं। एक नया चैनल अब शुरू हो गया कि उन गानों को एक नए रूप में पेश किया जाने लगा आजकल। मुझे वो बहुत लुभाता तो नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है, मुझे लगता है कि लोगों को पता चलता है कि उन गानों का एक पुराना रूप भी मौजूद है। आपने एक अपनी खुद की एक शैली विकसित की है और जिसकी कहीं कोई सानी नहीं है, इसके लेके क्या सोचते हैं? शैली का ये मामला है कि मुझे बहुत सारे अपने सीनियर्स ने और गुरुज ने ये सिखाया था कि जैसा आम जिंदगी में बोलते हो वैसा रेडियो पर बोलो। शायद आप लोग बेहतर समझ पाएंगे कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ही मैं रेडियो में बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई जादू की पुड़िया नहीं है, वो सेम सेम रहने में ही फ़ायदा है। जैसे आप जिंदगी में हैं वैसे रेडियो पर बने रहे। और जो विविध भारती के सामने आज जो FM की चुनौतियाँ हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, इस बात को लेकर है कि हम किस तरह से अपने सुनने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाते हैं और बोलने और गाने सुनाने से इतर हम और क्या कंटेंट लेकर आ सकते हैं जो हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी हो। यानी अगर हम अपने सुनने वालों को ये बताते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के कॉन्टेक्ट किस तरह से अपने मेल के साथ सिंक कर सकते हैं, तो वो गाने से ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में लेगा क्योंकि उसके जीवन से जुड़ी है। मेरा ये कहना है कि रेडियो को आम जिंदगी का सहायक, गाइड, दोस्त, साथी बनना होगा और तब रेडियो ज़्यादा प्रासंगिक होता चला जाएगा।